नमस्कार, मांग की तरियाणवी लाइव देख रहे हैं। पिछले कई दिन तक इस चौक पर जो है मुद्दा गरमा रहा था, इसका नाम रखने पर, इस पर स्टैचू लगाने पर, विधायक साहब ने और विधायक के जो है निजी लोग या फिर जिनके मेंढर जो आए हैं उनने जो है जल्दबाजी में अशोक स्तंभ रख के उसका अपमान करने का काम किया है। यह कुंभिया दिखा दे, खरीद अशोक स्तंभ, यो शहीदा का अपमान है, यो देश का अपमान है। और इतनी जल्दी कहती रखना था तो प्रॉपर रख दे, यो खंडित रखने के भी पीछे विधायक साहब, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि अशोक स्तंभ का आपने जो देश का अपमान करना करने पर आप मजबूर हुए। आपने शहीदों का अपमान किया, आपने फौजियों का अपमान किया है, और ऊपर भी जो है मैं चढ़ कर दिखाऊंगा आपने बाकायदा। दे फोन दे, ये देख को आप प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल। ये जो है इस साइड तक खंडित हो रहा है और ये अपमान है देश का, गौरव होता है अशोक स्तंभ। और ये देख लो, ये जो है नकली काम किए गए, जल्दबाजी में काम किए गए। इतनी क्या जल्दी थी, विधायक साहब से पूछना चाहते हैं कि आपको जो है अशोक स्तंभ का, देश का, देश के गौरव का जो है अपमान करना पड़ा। हमें अभी अभी डिटेल मिले मौके पर पहुंचे। ये देख लो, ये देखिए बिल्कुल मिट्टी का है, ये मिट्टी है, बिल्कुल है। ये रखन का पल्ला है, पत्थर नहीं है, ये मिट्टी है भाई, बिल्कुल है। ये बिल्कुल चोरी बजारी है, बिल्कुल ये पूरा घपला इसमें देखो आप, पूरी मिट्टी है, देखो ये पत्थर नहीं है, मिट्टी है, हाथ फुटन लग रही है। ये देख लो, ये देख लो शमशेर भाई, ये शहीदों का, ये अशोक स्तंभ का, ये देश का अपमान नहीं है सारा, बिल्कुल बहुत भाई ऐसा है, ये बिल्कुल मतलब सरेआम, मतलब सरेआम भ्रष्टाचार है इसके ऊपर, इस चौक के नाम पर ये लूट मचा रखी है विनोद भैणा ने। सरेआम से तो आरोप लगा हुआ है, जिस हिसाब से ये चौक रखा गया है और जिस हिसाब से जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, आप ये उठा के देख लो, ये देखो, ये देखो बिल्कुल है, ये देख माटी है, बिल्कुल माटी। और इसको मतलब पहले ही खंडित है, ये खंडित ही अशोक स्तंभ यहाँ लगाने लग रहे हैं बिल्कुल ही। मैं एक बात कहूंगा, इतनी जल्दबाजी की, दो महीने में चुनाव है, ये वाई वाल चक्कर में, वोटा के चक्कर में जल्दबाजी करे। और एक बार शमशेर भाई रोकना चाहूंगा, सोमवार का जो है ज्ञापन ज्ञापन देने का दिन था, बिल्कुल तो मतलब संडे ना, क्योंकि उस दिन एसडीएम साहब छुट्टी हुआ है, सरकारी छुट्टी उस दिन रखी गई है। भाई मैं एक बात कहूँ, अगर सोमवार तक का इंतजार नहीं कर सकते, ये इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है, सिर्फ वोटों के चक्रों में ये मतलब लोग जनता की गाड़ी कमाई की, ये बता रहे 25 लाख रुपए तक का इस चौक पर पैसा लगा हुआ है। आप ये देखो, ये मिट्टी बिल्कुल कितने दिन रह गई, क्या विनोद भैणा सिर्फ 2 महीने के लिए चौक बना रहे क्या, ये मतलब ये इतना बुरा हाल मचा रखा है इसका, ये इतनी बुरी स्थिति में इसको अशोक स्तंभ यहाँ लगा रखे हैं। अशोक स्तंभ मतलब एक शहीदों का अपमान भी हो रहा है इसमें, आपने कहा इतनी हल्की क्वालिटी का यहाँ माल लगा रहे हैं। आप इस चौक पर नहीं, उस चौक पर ही देखो, सबसे पहले पत्थर देखियो, इधर देखियो पत्थर टूटने जो शुरू हो चुके हैं, पत्थर लगा रखा है और ऊपर लगा रखा है ये भगत सिंह चौक, जो लड़के आईटी कॉलेज महिला के बिल्कुल सामने, उसका पत्थर उखाड़ के यहाँ पत्थर लगाए गए हैं। और यह पत्थर भी देखिए, यह पत्थर भी देखिए, ये भी मतलब ऐसा पत्थर है, ये पत्थर भी ऐसा देखिए, ये देखिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी, ये देखिए मिट्टी है, ये नकली माल लगाया गया है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ही, बिल्कुल ही कच्चा माल, बिल्कुल कच्चा माल, मैं बात करूंगा अधिकारी जो है कौन सा मौजूद है इस टाइम पे, भाई जी किसकी अध्यक्षता में क्या जान लग रहा है, अधिकारी कौन है भाई जी? राम राम, आपकी ड्यूटी हो रहा है ड्यूटी चरकन की है, कमेटी का या फिर उसका नगर परिषद का कोई अधिकारी होगा उरे? तो भाई यो तो गौरव होता देश का, यो भी खंडित रखा गया सर जी, ये सोक्षम बिल्कुल नया था, ये जो मशीन ने उठाया ना जब थोड़ा खंडित हुआ, ये बिल्कुल काचा प्योर पत्थर का, लेकिन फिर भी देश का अपमान है, यो नहीं रखना चाहिए, किसी का अलग लेना था, नया पत्थर का लगाना था, ये पत्थर का बना है, ये पत्थर का है, क्या पत्थर है ये पत्थर है जी, ये कौन सा पत्थर भाई, ये मकराने का है क्या? एक मिनट, दौड़पुत्र भी पत्थर ने हम जानते हैं, मैं अब मकराने का भी जानते हैं, अलबेटा भी जानते हैं, टुंगरी भी जानते हैं, कुमार डूंगे और बासुन दौड़पुर भी जानते हैं, ये क्या है, ये मिट्टी है, ये मशीन सरे हम लूट रहे हैं, जवाब दे भाई, खंडित तो रखना ही नहीं चाहिए ना, फिर इसके साथ दूसरा ले आओ, दूसरा तो सर जी वो
आपने क्या बोला? ये देश का गौरव है, देश की शान है, इसका गौरव कितने लोग शहीद हुए हैं और इसका अपमान है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो क्वालिटी ये लगा रही है कितने दिन टिक पाएगी? क्या विधायक, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप, एक मैं एक बात कर रहा हूँ, आप चलो इसके ठेकेदार हो कोई भी, मैं एक बात करना, ये पत्थर कितने दिन टिक पाएगा? क्या विनोद भैणा दो महीने के लिए, ढाई महीने के लिए, तीन महीने के लिए ये चौक बना रहे हैं क्या? बिल्कुल, इसका जवाब जो है सीधा विधायक देंगे, जो बड़ी दावे करते थे मैं यहाँ के हस्ताक्षर कर दूंगा। हस्ताक्षर करने से विधायक साहब काम नहीं चलेगा, काम जो है देश का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है, देश के गौरव का अपमान है। आप खुद ही का शोक संता से रख सकते हैं, आपने जो है लूट के खा लिया थी, आज मजबूर है हम सीधा रोड लगाने में, हमने कभी भी डरा करे फिलहाल, लेकिन देश का अपमान, देश के गौरव का अपमान सामने होगा। विधायक साहब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अशोक स्तंभ हमारे देश की जान है, हमारे देश की शान है, इसका अपमान नहीं सहन करेंगे हम, और जब कर हम जब तक आखिरी सांस है हम इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। ये अपमान है, अशोक स्तंभ का अपमान है, देश का अपमान है, ये अपमान चाहिए विधायक साहब, आप खंडित अशोक स्तंभ नहीं रख सकते। आशी की जनता से, भारत देश से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ऑन कैमरा मांगनी पड़ेगी, वरना ये जनता, ये देश आपको माफ नहीं करेगा।